नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली खबर की। लखनऊ के लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। बताना चाहेंगे कि ये पुलिसकर्मी यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड से चयनित हुए हैं। वहीं इस मौके पर सीएम योगी ने नवचयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं भी दी। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 9 सालों में भारत ने तेजी से तरक्की की है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश लगातार तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है। उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन चुका है। बढ़ाने के साथ साथ हम लोगों ने साइबर थाने केवल 2 थे यूपी के अंदर, आज प्रदेश के हर रेंज में एक साइबर थाना है और हर जनपद में उसे स्थापित करने की कार्रवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश का महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए घोषित मिशन शक्ति का कार्यक्रम आज पूरे देश के अंदर लागू हो रहा है। मिशन शक्ति का कार्यक्रम पूरे देश के अंदर चल रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में आपने देखा होगा कि महिला कार्मिकों की संख्या, यानी इस दौरान 22,500 से अधिक महिला कार्मिकों को भी अलग अलग पद पर नियुक्ति पत्र दिया गया, यानी जितना आजादी के बाद 70 वर्षों में महिला कार्मिक नहीं थी उत्तर प्रदेश पुलिस बल में, उससे कई गुना ज्यादा इन 6 वर्षों में भर्ती के माध्यम से उन्हें स्थान मिला। और इसने उत्तर प्रदेश के अंदर एक सामान्य बहन के सामने, एक महिलाओं के सामने सुरक्षा के एक नए मानक गढ़े। उनको विश्वास हुआ कि नहीं, पुलिस अब हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर है। अच्छा काम उस क्षेत्र में हुआ और बेहतरीन प्रदर्शन उस फील्ड में हुए। और यही नहीं, पुलिस ने इस दौरान, प्रोन्नति बोर्ड ने भी इस दौरान 1,29,000 से अधिक प्रमोशन की कार्रवाई को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। और अभी वर्तमान में जो प्रचलित है, 62,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में संचालित है। और ये उसी प्रकार से है, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी स्वच्छता पूर्ण तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए पूरी प्रक्रिया संपादित हो रही है। लखनऊ में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1090 चौराहे पर वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने रैली का शुभारंभ किया और इसी क्रम में वित्त मंत्री ने रैली में शामिल हुए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ ही स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि रैली के माध्यम से आमजन को अपने शहर को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने के लिए प्रेरित भी किया गया। सभी लोग स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का अंग बनाएं, अपने जीवन का अंग बनाएं और अपने आसपास के माहौल को साफ रखने में सहयोग दें। मन, वचन और कर्म से स्वच्छता के प्रति हम एक जागरूकता पैदा करें, माहौल पैदा करें, यही आज का संदेश है। हम सभी वार्ड के मेंबरों से भी कहना चाहते हैं कि वो अब अपने अपने वार्डों में अपने प्रकार की, जिस प्रकार की भी रैली हो सके, जिस प्रकार की बैठक हो सके, उसमें बैठक करके लोगों को ये जागरूकता पैदा करने के लिए संदेश दें। सभी वार्ड मेंबर, सभी लोगों से मेरा ये आग्रह है कि इस पर जरूर विचार करें कि अगर सभी वार्ड मेंबर इसको फॉलो अप करने के लिए, इसको आगे अभियान जारी रखने के लिए आवश्यक है कि सभी वार्ड मेंबर अपने अपने क्षेत्रों में, अगर बड़ा वार्ड हो तो 2 मीटिंगें करें, छोटा वार्ड हो तो 1 मीटिंग करें, अगर मीटिंग करके इसको जागरूकता पैदा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि लखनऊ निश्चित ही उत्तर प्रदेश के सर्वे में विशेष स्थान प्राप्त करेगा। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। बड़ा अपडेट आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, सपा कार्यालय के बाहर एक बार फिर से होल्डिंग लगाई गई है और होल्डिंग में लिखा है इस बार पीडीए की सरकार। तो एक बार फिर से शुरू हो चुका है पोस्टर वार। और आपको बता दें कि तस्वीर भी सामने आ चुकी है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये बाहर, सपा कार्यालय के बाहर होल्डिंग लगाई गई है और इसमें लिखा हुआ है कि इस बार पीडीए की सरकार। और लखनऊ की सियासत में एक बार फिर से गर्माहट होती हुई इस होल्डिंग के बाद। आपको बता दें कि एक बार फिर से पोस्टर वार जारी हो चुका है और होर्डिंग में लिखा हुआ है इस बार पीडीए की सरकार। तो सपा कार्यालय के बाहर ये होर्डिंग लगी हुई नजर आ रही है और एक बार फिर से यूपी की सियासत में गर्माहट देखने को मिल रही है। सपा कार्यालय के बाहर लगाई गई है ये होर्डिंग और इस होर्डिंग में लिखा हुआ है इस बार पीडीए की सरकार।
जैसा कि अखिलेश यादव के जन्मदिन पर हमने देखा था कि उन्हें भावी प्रधानमंत्री बताया गया था, और एक बार फिर से कुछ ऐसी ही होर्डिंग लगती हुई नजर आ रही है सपा कार्यालय के बाहर, और इस होर्डिंग में लिखा हुआ है इस बार पीडीए की सरकार। उधर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर बीते सप्ताह सहारनपुर में हमला हुआ था, और उसके बाद कई नेता चंद्रशेखर आजाद से मिलने उनके घर पहुंचे। इसी कड़ी में किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने भीम आर्मी चीफ के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान राकेश टिकैत ने बीजेपी सरकार पर हमला भी बोला, और उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में तानाशाही और गुंडागर्दी बढ़ रही है, वहीं अगर इसको लेकर कोई सवाल उठाता है तो उस पर गुंडों से हमला करवा दिया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस तानाशाही के खिलाफ जनता को सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दिखाना चाहिए। यूपी को एक बार फिर से वंदे भारत की सौगात मिलने वाली है, और वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी 7 जुलाई को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस मौके को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं कार्यक्रम को लेकर, और वहीं जनता सहित महंत भी वंदे भारत ट्रेन चलाने को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं और इसकी सराहना भी कर रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस जो अद्भुत गाड़ी है, और ये ट्रेन चलेगी गोरखपुर से लखनऊ तक और बीच में अयोध्या में भी आएगी, इसलिए यह अद्भुत ट्रेन है क्योंकि इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। वह सुविधा जो एरोप्लेन में जो होता है वह सुविधाएं सारी इसमें हैं, इसलिए यह ट्रेन वंदे मातरम बहुत ही अच्छी है, और प्रधानमंत्री की सोच जो है बहुत सुंदर है। भारत के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ झंडी दिखाकर गोरखपुर से 7 तारीख को होने जा रहा है। हमारे अयोध्या और लखनऊ बीच में बस्ती पूर्वांचल के लिए ये एक अनुपम सौगात होगा, क्योंकि अन्य लाइनों से तो ट्रेनें चल रही हैं, अभी कुछ जल्दी शुभारंभ भी हुआ है। प्रधानमंत्री जी की इच्छा भी अयोध्या के लिए सब प्रकार से रहती है, अयोध्या का विकास सब प्रकार से चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है प्रधानमंत्री जी के लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है। इस समय राष्ट्र के सिवा कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। जो व्यक्ति 15 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहा, 9 वर्ष बीत गए प्रधानमंत्री हुए, लेकिन आज तक अपना कोई घर नहीं बनाया। सबसे पहले तो मोदी जी के लिए मेरा प्रणाम। उन्होंने जो ये वंदे भारत ट्रेन चलाई है उसके लिए बहुत बहुत आभार। इससे लोगों को आवागमन में बहुत सुविधा होगी, और स्पेशली उनके लिए जो इमरजेंसी में होती है, बहुत सी ऐसी भी होती है, स्टूडेंट लाइफ की होती है, जल्दी जाना होता है, तो उनके लिए बहुत बड़ी सौगात है। ये मोदी जी का सराहनीय कदम है, और इस क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो वहाँ भी उन्होंने जो है पटना से रांची वंदे मातरम ट्रेन का उद्घाटन किया था, जो कि काफ़ी सुविधाजनक है, और वहाँ के जो पब्लिक है, अयोध्या के जो पब्लिक है, उनको बड़ी सौगात मिली है, और ये सराहनीय कदम है मोदी जी का। बहुत अच्छी कदम है भाई, हम लोगों को बहुत खुशी हुई है इस बात के लिए। हम लोगों को बहुत खुशी है कि हम लोगों को आने में समय नहीं लगेगा, हर एक सुख सुविधा हम लोगों को ट्रेन में मिलेगी। ये तो सरकार की आम पब्लिक की उपलब्धि है, समझे ना, कि सरकार इस तरह से काम कर रही है। अयोध्या की बात है जहाँ तक, तो अयोध्या में हम लोग पहले भी आए थे, पहले से 20 गुना ज़्यादा विकास है। पहले अयोध्या जो था उससे अब अयोध्या में आने से कहीं कोई डर भय दुनिया जहाँ हर सुख सुविधा का उपलब्ध है, हर सुख सुविधा अयोध्या में उपलब्ध। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।
बुलेटिन के प्रायोजक हैं पतंजलि मसाले 100% शुद्ध स्वाद व सेहत वाले। ब्रेक के बाद स्वागत है, रुक करेंगे अगली खबर का। भारी बारिश की वजह से लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और दरअसल भारी बारिश की वजह से लोगों की दिनचर्या के साथ साथ महंगाई पर भी असर देखने को मिल रहा है। बाजारों में सब्जियों के दामों में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है और बताना चाहेंगे कि मंडियों में टमाटर 150 रुपए किलो, अदरक 400 रुपए किलो और धनिया 100 रुपए किलो बाजार में बिक रहा है। इससे पहले 15-20 दिन पहले 10 रुपए किलो 15 रुपए किलो था। वजह क्या है? धूप से और बरसात से टमाटर खराब हो गया है। अब ये पहाड़ों का टमाटर बाहर का ऊपर और कौन कौन सब्जियां पर टमाटर है, अदरक है और लहसुन है। टमाटर जी हम बेच रहे हैं कम से कम 20 साल से ज्यादा हो गए हैं और टमाटर इस टाइम जो यहाँ का तो खत्म हो गया। ये लोकल टमाटर आ रहा वहाँ का आ रहा पहाड़ों का टमाटर, इसमें दाग ही ज्यादा निकल रहा है टमाटर, तो इस वजह से महंगा है। दागी निकल रहा है बारिश से, बारिश की वजह से दागी हो रहा है टमाटर। महंगाई तो बहुत तेज रहेगी। जो लौकी पहले हम ला रहे थे क्या नाम 10 रुपए किलो, आज की 40 रुपए किलो लौकी है, 100 रुपए किलो के लिए कम टमाटर नहीं बिक रहेगा। महंगाई तो चरम सीमा पे चल रही है। बजट कितना बिगड़ गया? बजट पूरा बिगड़ गया है, पूरा बाजार में मद्दा है, फिलहाल महंगाई चरम सीमा पे चल रही है। महंगा कोई सब्जी नहीं है महंगी, भाई साहब जैसी आएगी वैसी बिकेगी। जो बारिश हो रही है बारिश के चक्कर में महंगा आया टम्बर। नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और सब यही है, पपीता कम आ रहा है मंडी से, 40 रुपए किलो पपीता आ रहा है, 50 रुपए बिक रहा है। सेब बाहर के महंगे सेब है, 20 रुपए किलो सेब बिक रहा है। अनार भी कम आ रहा है क्या, केला अनार आम है वो। उधर अयोध्या में पिछले 10 दिनों से सरयू का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका मुख्य कारण लगातार हो रही पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बैराज से अधिक पानी का छोड़ा जाना है। इसकी वजह से सरयू घाट की सीढ़ियों पर तेजी से पानी चढ़ रहा है और बढ़ते जलस्तर के कारण सरयू स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है सरयू में। आपको बताना चाहेंगे कि दूसरी तरफ प्रशासन भी लगातार सरयू के जलस्तर पर निगाह बना के रखे हुए है। जी अभी इस समय 3:91 चल रही है मौके समय पे, जो डेंजर लेवल से 1.630 मीटर नीचे चल रही है खतरे के निशान से। हाँ क्या वजह अभी तो क्या मतलब मेनली जो बारिश की वजह से पानी था उसी वजह से नदी का बढ़ा था, मतलब नेपाल से पानी छोड़ा गया और बैराज से जो पानी छोड़ा गया है उस इसमें अपने शारदा नदी भी जो आती है इसी में आके मिलती है, उसका भी पानी इसी में आता है, मतलब 2 बैराज हैं वहां से पानी छोड़ा जाता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन स्थित प्रेम मंदिर में विस्फोटक लगे होने की फर्जी सूचना देने वाले सिरफिरे युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और बताना चाहेंगे कि आरोपी युवक ने 2 जुलाई को 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी थी कि मथुरा के वृंदावन स्थित प्रेम मंदिर में जगह जगह बम लगाए गए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। मथुरा पुलिस ने 5 जुलाई को वृंदावन के प्रेम मंदिर में बम की धमकी भरी कॉल करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस धमकी के बाद पुलिस ने बताया कि बम निरोधक दस्ता मंदिर पहुंचा और परिसर खाली करा लिया गया। हालांकि मौके से कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। दो जुलाई को थाना वृंदावन क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध प्रेम मंदिर में एक बम की सूचना दी गई थी एक कॉलर के द्वारा। उस दिन छुट्टी का दिन था तथा राजकीय मुड़िया मेला भी चल रहा था, जिसके चलते काफ़ी संख्या में श्रद्धालु वृंदावन में थे। प्राप्त जानकारी पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची। ASTECT में बम स्क्वाड जो BDDS की हमारी टीमें होती हैं वो पहुंची, पूरे कैंपस को खाली कराया गया तथा जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया गया। कोई भी ऐसी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। कॉलर से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो कॉलर का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। इसमें छानबीन की गई, अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त अनिल पटेल को गिरफ्तार किया गया, जो मूलतः वाराणसी का रहने वाला है। उसके कब्जे से सिम कार्ड और मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए हैं। सुसंगत धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत है, गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
उधर सावन यात्रा शुरू होते ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है, माफी चाहेंगे, सावन शुरू होते ही कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। और इस सबके बीच सीएम योगी, कश्मीर फाइल्स और बुलडोजर बाबा की प्रिंट वाली टी शर्ट की भारी डिमांड हो रही है। गाजियाबाद के कई बाजार में ये टी शर्ट आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं और दुकानदारों का कहना है कि अधिकतर खरीदार मुख्यमंत्री योगी और बुलडोजर बाबा वाली टी शर्ट की मांग कर रहे हैं। तो सावन का पावन महीना चल रहा है और इस दौरान कांवड़ यात्रा की शुरुआत होते ही इन टी शर्ट की मांग को लेकर काफी ज्यादा लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग ये टी शर्ट्स खरीदते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के चलते ये टी शर्ट्स अब आउट ऑफ स्टॉक भी हो चुकी है। डिमांड कर रहे हैं कॉटन कपड़े की, डिमांड कर रहे हैं कुर्ते की, डिमांड कर रहे हैं। खास कर मैंने देखा है कि मोदी योगी के पोस्टर भी लग रहे हैं, कुछ आपके बुलडोजर के भी लग रहे हैं। मोदी योगी के लग रहे हैं जो बहुत कुछ लोग खरीद भी रहे हैं, मोदी योगी के भी खरीद रहे हैं। और अपनी अपनी चॉइस होती है किसको क्या पसंद है। ज्यादातर लोग किन के कपड़े खरीद रहे हैं, मतलब मोदी योगी के पोस्टर वाले खरीद रहे हैं या भोले के पोस्टर खरीद रहे हैं? नहीं, भोले के ज्यादा खरीद रहे हैं, मोदी योगी के भी खरीद रहे हैं, लेकिन भोले के ही ज्यादा खरीद रहे हैं। मोदी योगी के जो जिनको ज्यादा ख्वाहिश मोदी योगी के, वो मोदी योगी के ज्यादा खरीद रहे हैं, जिसको भोले की ख्वाहिश है वो भोले खरीद रहे हैं। कॉटन के कुर्ते और मोदी योगी के कपड़े लेने पसंद कर रहे हैं। बीजेपी का राज है, इसमें हमें सुरक्षा है, दुकान बढ़िया लगी हुई है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, पुलिस वाला कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, बड़े आराम से काम हो रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं देवभूमि की। देहरादून के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है और उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रखर राष्ट्रवादी विचारक और जनसंघ के संस्थापक थे और उन्होंने एकता अखंडता के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी जीवन गाथा हम सभी को प्रेरित करती रहेगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के बीच जोशीमठ में खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे फिर से लोगों में एक बार फिर से डर और दहशत का माहौल भी है। दरअसल भारी बारिश के चलते जोशीमठ के घरों में एक बार फिर से दरारें देखी जा रही हैं और इसको लेकर सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा भी की। सीएम धामी ने कहा कि इस संबंध में पीएम मोदी से बड़ी गंभीरता से बातचीत की गई है और पीएम ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार की ओर से जो भी जोशीमठ के लोगों के लिए बन सकेगा वो किया जाएगा। जी, जोशीमठ को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि लगातार जोशीमठ को लेकर पहले भी उस समय जब वहाँ पर आपदा की स्थिति पैदा हुई थी, प्रधानमंत्री जी लगातार उसकी स्वयं भी समीक्षा करते थे और कल भी मेरी उनसे चर्चा हुई है। उन्होंने कहा है कि जोशीमठ के लिए जो भी अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छा वहाँ पर लोगों की सहायता के लिए हो सकता है, उसको केंद्र की तरफ से किया जाएगा। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत दो दिवसीय बागेश्वर दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने बागेश्वर के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं। उन्होंने कहा कि बागेश्वर में जल्द ही 200 बेड्स का चिकित्सालय बनाया जाएगा और इसके साथ ही उन्होंने हर ब्लॉक में दो विद्यालय बनाए जाने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर में मौजूदा 5,000 किसानों को 5,00,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा और इसके अलावा चिकित्सालय में चिकित्सकों के लिए आवास भी बनाए जाएंगे। उधर केदारनाथ मंदिर के बाहर बीते दिनों में दो रील्स जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं और एक वीडियो में मंदिर परिसर में एक यूट्यूबर द्वारा अपने बॉयफ्रेंड को अंगूठी पहनाकर प्रपोज किया जा रहा था तो वहीं दूसरी रील में लड़का एक लड़की की मांग भरते हुए नजर आ रहा था। इन वीडियोज के वायरल होने के बाद अब श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने पुलिस को एक पत्र लिखा है और पत्र में मंदिर परिसर के चारों तरफ कड़ी निगरानी रखने और सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने की मांग की है। इसके अलावा समिति ने पत्र में यूट्यूबर, वीडियो और इंस्टाग्राम रील्स बनाने वालों पर सख्त एक्शन लेने की भी मांग रखी है। उत्तरकाशी के गुंदियाट गांव में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत डीएम ने चौपाल लगाई और इस दौरान उन्होंने देर रात तक ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। साथ ही कई समस्याओं का मौके पर ही उनके द्वारा निपटारा किया गया। वहीं बताना चाहेंगे कि चौपाल में ग्राम प्रधान ने सड़क मार्ग का विस्तारीकरण और सिंचाई नहर निर्माण की मांग की, जिस पर डीएम ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांग के अनुरूप जल्द ही इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे।
उत्तराखंड में आज भी बारिश का येलो अलर्ट जारी है और इस दौरान मौसम विभाग ने यात्रियों और आम जनता से सतर्क रहने की अपील की है। उत्तराखंड में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम वहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया गया है और प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही है। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश चारधाम यात्रा के लिए बाधक बन रही है। वहीं कई जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने के साथ ही बौछारे भी पड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 8 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में लगातार हो रही मानसून की बारिश से जहां आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है तो वहीं नदी नालों का जलस्तर भी काफी ज्यादा बढ़ने लगा है। हल्द्वानी के चोरगलिया का शेर नाला और गोलापार की सूखी नदी भी उफान पर है और नदी के उफान के होने के बावजूद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उसे पार कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस मुस्तैदी के साथ लोगों को सचेत कर रहा है। वहीं SDM मनीष कुमार का कहना है कि मौसम के अलर्ट के साथ ही सभी बाढ़ चौकियों को एक्टिव किया गया है। नदियों और नहरों के किनारे रह रहे लोगों को नदी किनारे न जाने और रपटों को पार न करने की सलाह दी जा रही है। फिलहाल जिले में नदियों का जलस्तर सामान्य बना हुआ है। वर्षा काल के दौरान एक तो कंट्रोल रूम जो 24/7 काम करता है वो सक्रिय हो गया है तहसील में। ऐसा कोई भी स्थल जो सेंसिटिव है लोगों के जान माल के दृष्टिकोण से उनको वहां पर बचाव के लिए संबंधित लोगों से जनप्रतिनिधियों से वार्ता करके उनको दूर स्थान पर जाने के लिए या ऊंचे स्थान पर जाने के लिए समय समय पर जैसा अलर्ट जारी होता है बताया जाता है और जो क्षेत्रीय लेखपाल हैं या राजस्व उप निरीक्षक हैं उनको सक्रिय किया गया है। कुमाऊं मंडल में लगातार हो रही भारी बरसात का असर अब हल्द्वानी में भी देखने को मिल रहा है जहाँ कुमाऊं की बड़ी नदी गौला नदी का जलस्तर एकाएक बढ़ने लगा है। हम इस वक्त मौजूद हैं हल्द्वानी की गौला नदी में। आप देख सकते हैं किस तरह से गौला नदी का जलस्तर एकाएक बढ़ने लगा है क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बरसात जारी है। लगातार हो रही बरसात से अब तक कुमाऊं मंडल में दो बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हैं। इसके अलावा कई सारे राजमार्ग मुख्य मार्ग और ग्रामीण मार्ग भी बंद हैं जिन्हें खोलने के प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा पुलिस और प्रशासन भी लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि नदी और नालों के नज़दीक ना जाएं, पहाड़ों पर अपनी यात्रा मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए ही करें। अगले दो दिन भारी बारिश की संभावना और जताई गई है जिसको देखते हुए सभी लोग पूरी तरह से अलर्ट पर रहें। हल्द्वानी से योगेश शर्मा, जनता टीवी। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।